दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने का मन करता है, और जब हम सुबह के समय खाते पीते हैं तो हमारा पेट उसे तुरंत डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और उसमें जो भी विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है। रात का खाया हुआ खाना सुबह तक डाइजेस्ट हो चुका होता है, और पूरे दिन के खाने के मुकाबले सुबह जो भी हम कुछ खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि बॉडी उस समय एकदम फ्री होती है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह के समय ऐसे कुछ खाने पीने की आदी होते हैं जो आगे चलकर नुकसान करते हैं, और उन्हीं आदतों में शुमार है सुबह खाली पेट चाय पीना। हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत सुबह की चाय की चुस्की के साथ करते हैं। ये बात भी सच है कि चाय में कैफीन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करते हैं, जिससे शरीर में एक्टिवनेस आता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि बिना चाय पिए पेट साफ नहीं होता। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, हर रोज सुबह खाली पेट चाय पीने से आने वाले समय में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। चाय का सीधा नुकसान भले ही ना दिखता हो, लेकिन चाय के इनडायरेक्ट नुकसान बहुत से हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हो गए हैं, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, हार्ट में दिक्कत है, घुटनों का दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में गैस एसिडिटी रहती है, प्रोस्टेट कैंसर है, थकान और स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रहता है, भूख न लगने की समस्या है, अल्सर का खतरा है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं चाय से ही जुड़ी होती है। कोई भी बीमारी एकदम से नहीं आती, ये शरीर के अंदर किसी वजह से धीरे धीरे पनपती हैं, जिनसे हम अनजान रहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सुबह के समय चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि खाली पेट चाय पीने से शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं। आप भी जानिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी बताइए, ताकि वो भी इन बीमारियों से बचे रहे। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि मोटापा सिर्फ फैट वाली चीजों को खाने से ही आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटापा आता है ऐसी चीजों को खाने से जिससे हमारा डाइजेशन खराब हो और मेटाबॉलिज्म रेट कम हो। तो अगर हम चाय का सेवन खाली पेट करते हैं तो इसका सीधा असर डाइजेशन पर पड़ता है। चाय डाइजेशन को खराब करती है और मेटाबॉलिज्म रेट को कम कर देती है, जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है। वजन ही नहीं दोस्तों, ये आपका पेट को बड़ा करता है। भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ पेट निकला हुआ है, वो पेट से ही मोटे हैं, और पेट से मोटे होने की वजह चाय ही है। इसलिए सुबह खाली पेट चाय पीना बंद कर दीजिए। खाली पेट चाय पीने से शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो वो मात्रा खून में भी बढ़ती है। खून में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ने से हमारे जोड़ों में ये जमना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बहुत ही भयंकर बीमारी है दोस्तों। गठिया में बहुत तेज दर्द होता है जोड़ों में। जिनको गठिया है उनसे पूछना, जीवन जीना दुभार हो जाता है। और आपके जोड़ों में अगर दर्द है भी और घुटनों में दर्द है तो आप संभल जाइए और चाय का सेवन बंद कर दीजिए। इसे किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ जाता है दोस्तों। इसके अलावा ब्लड में ज्यादा एसिड होने की वजह से स्किन भी काली पड़ने लगती है, स्किन में गंदगी जमा होने लगती है, जिस वजह से दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस जैसी ढेरों बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा कई लोग एक ही बार ज्यादा चाय बना लेते हैं और उसे बार बार गर्म करके पीते रहते हैं। बार बार गर्म करके चाय पीना बहुत ही खतरनाक होता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चाय में कैफीन बहुत मात्रा में होता है, ये हाई कैफीन कंटेंट है, यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो जाएगा, और हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। आजकल दोस्तों टेंशन भरी लाइफ में बहुत से लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती, ऊपर से अगर आप खाली पेट चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं तो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो खाली पेट चाय ना पिएं। इसके अलावा अगर आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो ये बॉडी में आयरन के अवशोषण को कम करती है, जिस वजह से शरीर में खून की कमी होने लगती है। खाली पेट चाय पीने से हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, जिससे हमारा खाया हुआ आयरन बॉडी को लग ही नहीं पाता और हमारी बॉडी नया खून नहीं बना पाती, जिस वजह से शरीर में खून की कमी होने लगती है। और शरीर में खून की कमी की वजह से कई प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जैसे शरीर में कमजोरी, सर में दर्द होना, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना। दोस्तों, ज़्यादा चाय पीने से बालों की जड़ें कमजोर हो सकती है, क्योंकि ये हमारे बालों की जड़ों में न्यूट्रिशन नहीं जाने देती, जिस वजह से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। खाली पेट चाय पेट में एसिडिटी बनाती है, ये एसिडिटी हमारे पेट में गैस पैदा करती है और हमारे खून के अंदर जाकर बाद में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या फिर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को बढ़ने या फिर कम होने की प्रॉब्लम पैदा कर देती है। तो ऐसे में खाली पेट चाय का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जिनको भी बवासीर की प्रॉब्लम है उनको तो खाली पेट चाय गलती से भी नहीं पीनी चाहिए, और अगर आप इस प्रॉब्लम से बचे रहना चाहते हैं तो आप बस ये आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए।
इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप समझ लीजिए कि खाली पेट चाय पीने का नतीजा है, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, जिससे धीरे धीरे हमें भूख लगना बंद हो जाती है। इसके अलावा खाली पेट चाय पीने से शरीर में प्रोटीन व अन्य दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता, जो हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। चाय में टैनिन पाया जाता है। टैनिन एक ऐसा पदार्थ है जो खाली पेट चाय पीने के कारण वॉमिटिंग तक करा सकता है। सुबह उठते ही गर्मा गर्म चाय पीने से खाने की जो नली होती है या फिर गले में, कैंसर होने का खतरा 8 गुना तक बढ़ जाता है। तेज गर्म चाय गले के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा दूध और चीनी वाली चाय का सेवन दिन में कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध और चीनी वाली चाय आपके लिए जहर है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग खाली पेट बहुत अधिक दूध वाली चाय पीते हैं तो उन्हें थकान का एहसास होता है। चाय में दूध मिलाने से एंटीऑक्सीडेंट का असर कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पीजिए या फिर ब्लैक टी पीजिए या फिर आप लेमन टी पी सकते हैं, वो भी बिना चीनी के। आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह हम जो कुछ भी खाते हैं उसका पौष्टिक तत्व पूरी तरह से शरीर को मिल पाता है, क्योंकि पाचन अच्छे से हो पाता है। तो सुबह खाली पेट ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो पौष्टिक आहार से भरे पड़े हो, जैसे कि आप भीगे हुए बादाम खाइए, भीगी हुई किशमिश खाइए, भीगे हुए अखरोट खाइए या फिर भीगे चने खाइए। कई लोग मेथी भीगे हुए खाते हैं, वो खा सकते हैं, या फिर भीगे हुए खजूर खाइए। इस तरह से आप कुछ भी खाइए, वैसी चीज़ खाइए जो आपके शरीर को फायदा दे सके, ना कि नुकसान दे सके। तो दोस्तों, अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो आज से संभल जाइए और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। और क्या इस वीडियो को 5000 लाइक्स मिल सकते हैं? अगर हाँ तो जरूर वीडियो को लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए।